हल्का, अभी तो उसमें सजावट चल रहा है ना। श्री गोवर्धनपुर श्री गुरुदास जन्म स्थान, तो यहाँ पे अभी तो तैयारियाँ वगैरह चल रही हैं, स्टेज वगैरह को तैयार कर रहे हैं हमारे सेवादार जो यूपी पंजाब बिहार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाराणसी पता नहीं मतलब भिन्न भिन्न जगह से आए हुए हैं। और भाई मतलब दिन रात मतलब कितनी लगन है लोगों के अंदर, दिन रात लग लग के ये पूरा पूरा ये वाटर प्रूफ है, ये मुझे लग रहा यार बना बनाया है यही है ना पूरा, ये पूरा का पूरा वाटर प्रूफ है। और भाई मतलब जो हमारे सेवादार हैं वो दिन रात लगे हुए हैं, इसलिए बड़े महाराज जो संत निरंजन दास महाराज हैं पंजाब से वो आएंगे, उसकी उसमें उसकी तैयारी हो रही है पूरी की पूरी। देखो बहुत बड़ा है भाई, डुबदे पत्थरां नूं तारे हम पापी तुम पाप खंडन नी कोठा दोस्तों। जो ये रास्ता है यहाँ पे मतलब स्टेट बाय स्टेट जो लोग बाहर से आते हैं और गुरुदास जयंती के उपलक्ष्य में तो यहाँ पर ना वो बनाए जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब पंडाल बनाए जाते हैं, रहने का खाना पीना रहने की व्यवस्था होती है यहाँ पे, और हर स्टेट का एक अलग पंडाल होता है। चलो अब आगे जाके हम दिखाते हैं आपको कि कौन कौन सी स्टेट में, शायद हमारी स्टेट का भी कोई मिल जाए मेरे को वहाँ पर, देखता हूँ कोई जान पहचान वाला मिलता है नहीं मिलता है। Thank you.
तो जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। सर आप कहाँ से आए हो और कितने दिन की यात्रा है आपकी? मैं सर, और आप कैसे आए हो? हम सर यहाँ पंजाब से आए हैं, लुधियाना जिला है। ठीक है। और हमारी डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, जो हमारा गांव पिंड चौंता है। ठीक है। जो ये हमारी यात्रा है, 14वीं यात्रा है। 14 साल से आप आ रहे हो, मतलब हर बार लगातार हम 14 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है। गुरु महाराज के दर्शन करते हैं। ठीक है। और संतों को भी दर्शन करवाते हैं। कम से कम अब तक हमने 500 लोगों को दर्शन करा चुके हैं, काशी बनारस के दर्शन करवा दिए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। और ये जो 14वीं हमारी यात्रा है, हम ट्रक का ही आते हैं। ट्रक से आते हो? हर साल अपनी गाड़ी। अच्छा अच्छा, अपनी गाड़ी से आते हो आप? हैं ठीक है, ठीक है। जो पीछे कोरोना का टाइम भी था, हाँ जी, उस टाइम भी हम गाड़ी लेके आए हैं। उस टाइम भी आप गाड़ी लेके आए हो? हमारे इस भाग प्राप्त हमको कि हमने 14वीं बार है, जो 14 साल लगातार कंटिन्यूस गाड़ी हमारी आ रही है। ओके, गुरु महाराज की अपार कृपा से। ठीक है सर, ठीक है। ओके जी। तो दोस्तों ये है, मतलब ये उत्तराखंड का पंडाल लगा हुआ है साइड में, और मतलब हर स्टेट का एक अलग अलग पंडाल। यहाँ पे लंगर हॉल है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मतलब रहने खाने और सोने की व्यवस्था वगैरह सब है, मुझे लगा ब्लैंकेट वगैरह सब देते हैं ये लोग। इधर में क्या, जैसे मतलब ये पंडाल लगे हुए, तो ये मतलब क्या क्या इनके अंदर, कि हर स्टेट का एक अलग अलग पंडाल रहता है? सर सबसे पहले जय गुरुदेव धन गुरुदेव। ठीक है जी, जय गुरुदेव धन गुरुदेव। गुरु रविदास जी की जयंती, सालाना जयंती है, 645 में गुरपुरब है। ठीक है जी। इसमें सभी धर्मों के जो ऐसी समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है जी। पंजाब से खास तौर पे बड़ी धूमधाम से लोग आते हैं, पूरी ट्रेन आती है और लोग गाड़ियों ट्रकों से भी आते हैं। आते हैं, सही बात है। और इसके बाद जहाँ ये जो पंडाल लगे हुए हैं, इसमें पंजाब के भी है, हरियाणा के भी है, जम्मू के भी है, हिमाचल के भी है, राजस्थान के भी है। जहाँ जहाँ के स्टेट के लोग संगत के रूप में जहाँ पर आते हैं, उन सभी को रहने की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से हुई है। और ये सामने जो देख रहे हैं आप, हाँ जी, ये वाला, ये जो लंगर है, इसमें 3000 आदमी का एक बार एक टाइम पे एक बार में 3000 आदमी का एडजस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है। और जेंट्स लोग यहाँ पे है और लेडीज पे है। अच्छा, यहाँ पे जेंट्स का, यहाँ पे लेडीज का है। और ये जो सामने आप दिखा रहे हो, ये पंडाल है, यहाँ पे हर स्टेट का रहने का प्रबंध है इसमें। ठीक है। इसमें पूरी सेवा की और सिक्योरिटी की सेवादारों की जिम्मेवारी है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, जैसे मतलब मैं हूँ, ठीक है, मैं अकेला आया था अपने वहाँ से, तो सामान वगैरह कोई लोकर वगैरह भी होता है, किसी का इम्पोर्टेंट सामान हो वो रखना हो? इसमें ये खास तौर पर ये बात है, जो आपने ये सवाल पूछा है, ये जो सामान यहीं पड़ा होगा वहीं से आपको मिल जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है, ठीक है। कोई सिक्योरिटी की जरूरत है? ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पर रख दोगे वहाँ से मिल जाएगा, कोई इसको छेड़ेगा नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। ये बिहार का है, मुनी भाई मुंह चल चल के बोलू ही दे। हाँ जी माता जी, वो चैनल नहीं आंटी जी, वो यूट्यूब चैनल वाला लिखा हुआ। मैं भी हरियाणा से हूँ जी, हरियाणा से हूँ मैं भी। आप लोग कुछ बोलोगे तो कैसी मतलब खुशी की लहर, एक अलग ही खुशी की लहर दिख रही है। मतलब मैं हर एक अलग अलग स्टेट वाइज में देख रहा हूँ, मिल रहा हूँ लोगों से। काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे मतलब रैपर का जन्मदिन
लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आके मनाते हैं। हाँ ये भी पंजाब के लोग हो गए इसमें भी शायद, ये छत्तीसगढ़ से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर 19 नंबर जिसको जहाँ जगह मिले तो भाई जो ये है ना, ये है जहाँ पे पूरा लंगर प्रिपेयर हो रहा है, मतलब पंजाब के जो लोग हैं जो आए हुए हैं यहाँ पे, और भाई दिन रात लोग सेवा कर रहे हैं देखो बढ़िया से, और यहीं पे मतलब यहीं से सर्व हो रहा है पूरा का पूरा लंगर, ये देख रहे हो आप। यहाँ पे भाई मतलब वो सभी लोग अपना मतलब सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, जो लंगर में होता सामान उसके लिए। भाई काशी बनारस में आके लंगर लगा रखा है यहाँ पे, और वो लंगर वहाँ पे चल रहा है एक मिनट, तो बार देख के आते हैं वहाँ पे भी जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हो ना यार कितनी खुशी का माहौल है कि लोग मतलब पंजाब के संगरूर जिले से आए हुए हैं यहाँ पे, और उन्होंने मतलब यहाँ पे गुरु महाराज का एक मतलब लंगर चला रखा है यहाँ पे, और देखते हैं महाराज जी। संगरूर से आए हो आप? संगरूर से यहाँ पे आपने लंगर लगाया हुआ है? पांचवा लंगर आपका, हर साल आते हो आप लोग? ठीक है जी, ठीक है। पिंड दिड़पा, ठीक है जी, संगरूर आपका जिला है, ठीक है जी, ठीक है। जय गुरुदेव जी महाराज जी। नहीं कोई बात, जय गुरुदेव जी। तो यहाँ पे मतलब दूसरे कोई पंजाब से ही आए हुए हैं ये लोग भी, और इन्होंने भी यहाँ पे आके भाई एक लंगर का और सत्संग का प्रोग्राम कर रखा है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे भी लंगर और सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, अंदर लंगर का प्रोग्राम है। देखो सत्य भैया, कहाँ से आए हो भैया? पंजाब से। कौन सा मतलब पिंड, कौन सा गाँव? खन्ना सर है। कौन सा लंगर इस बार लगाया आपने? 37वां। अच्छा आप 37 साल से आप लगा रहे हो हैं? अच्छा अच्छा, बढ़िया है बढ़िया भाई। ये पंडाल लगा हुआ है जहाँ पे मतलब बड़े महाराज जी आएंगे, और आप देख सकते हो यार कितना बड़ा पंडाल है ये, और यहाँ पे इधर साइड में झूले वगैरह लगे हुए हैं, सामने मतलब पंडाल बहुत बड़े में है ये पंडाल, ये सब में यहाँ पे पूरा पब्लिक भर जाएगी,
और इस साइड जो इस साइड मुझे लग रहा है वो जो लोग कहीं कहीं से आए हुए हैं ना, देखते हैं यार कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। अच्छा वो देखते हैं कहाँ से आए हैं वो लोग, मतलब मास की सेवा भाई, हर प्रकार की सेवा यहाँ पे है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो वहाँ पे जो हमारे लोग रहते हैं उन्होंने ये मास्क वगैरह की ताकि मतलब सब सेफ रहे ना, उसके लिए ये सेवा कर रखी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। Oh, my God.